राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावा के गोंडपुर मैदान में किसान समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि गांवों, कस्बों और शहरों को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम के विकसित भारत बनाने के संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुभारंभ की है, तो उस यात्रा का आज एक पड़ाव खरसावा में हुआ है। तो यहाँ से नए दीप जलाकर प्रज्वलित कर हम विकसित भारत बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम अपने गांव को हरियाली बनाएंगे। मेले में सांसद विद्युत वरण महतो और संजय सेठ ने भी अपनी बात रखी। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं और किसान सम्मान निधि से किसानों को बड़ा सहारा मिला है। कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो किसान हमारे अन्नदाता है। चाहे किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए देकर 6,000 रुपए स्वास्थ्य सहिया देखी, जल सहिया देखी, उज्ज्वला दीदी देखी, अब ड्रोन दीदी का भी समय आ गया है। किसानों को उनकी खेती में हरियाली लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेले में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। यहां कृषि क्षेत्र से जुड़े करीब 150 स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसके जरिए किसानों को लाभान्वित किया गया। लाभुक किसानों ने सरकार के इस पहल की सराहना की। हम लोग सब एफपीओ के अंदर में ही हम लोग काम करते हैं, किसान है और सारा चीज जो है हम लोग का मैक्सिमम हम लोग का ये ऑर्गेनिक है। इसे मुझे बहुत फायदा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री का जो 10,000 एफपीओ बनाने का सपना है, उसका एक हमारा एफपीओ भी अंग है। इस मौके पर राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। साथ ही साथ किसानों के बीच बीज का वितरण हुआ और उन्हें कृषि के नवीनतम तकनीकों से रूबरू कराते हुए उन्हें कृषि के साथ मुर्गी पालन जैसे आयामों के जरिए आमदनी बढ़ाने के तरीके भी बताए गए। खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार।